फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी और लस्सी। तो ये मैंने मैक्रोनी लिए, कम से कम 1 किलो के करीब लिए, क्योंकि माशाल्लाह लोग ज़्यादा हैं, मेहमान आए हुए हमारे में आप ही। और ये शिमला मिर्च 1 पाव है, 1 पाव है टमाटर, और 1 पाव से ज़्यादा प्याज दिए मैंने, लेकिन थोड़ी सी अलग कर दिए, ज़रूरत पड़ेगी तो ये लेंगे, वरना ये वाली डालेंगे। और ये 1 पाव चिकन है, उसको मैंने रेशा कर लिया है, पीस नहीं डालती मैं, ये रेशा करके डालती हूँ। छोटे छोटे जो पीस चौकोर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर ज़्यादा लगे भी ज़्यादा, हाँ मज़ा नहीं आता फिर मुझे। तो ये मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल मैं थोड़ा सा लेती हूँ ज़्यादा मैक्रोनी में, मैक्रोनी स्पैगेटी वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ, थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालती हूँ। और मैं इसको किसी चमचे से नहीं चलाऊँगी, मैं इससे बनाऊँगी, क्योंकि इसमें मिक्स होने में मसला होता है, टूटती भी नहीं है। तो ये ऑयल मेरा काफ़ी देर से रखा हुआ है, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। मैं प्याज और डाल रही हूँ इसमें, मुझे वो कम लग रही थी, क्योंकि मैक्रोनी है ज़्यादा, मुझे वेजिटेबल इसमें ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैंने डाल दी। और फ्रेंड्स, आए मिलते हैं अपने मेहमानों से। तो ये हमारे मेहमान आए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है। मम्मी के घर आई, मम्मी से मिली, मम्मी के पास आओ तो काफ़ी तबीयत बेहतर हो जाती है। सही कह रही है, बाकी करीब हाँ। और कैफ की तबीयत कैसी है? कैफ की तबीयत, मैंने वीडियो कॉल की थी, उससे बात की थी, अभी तो जल्द शुक्र बेहतर है, मैं जाऊँगी। अच्छा, चलो इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी, मैं मेरे जाने का और मैं जा नहीं सकी, तो मैं भी जाऊंगी इसे मिलने के लिए। देखें, प्याज हमारी तकरीबन थोड़ी सी हुई है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, इसको लाल लहसुन लगेगी, और डालूंगी थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक, और इसको करेंगे मिक्स। और ये आप ही ने दिया है धोखा, उन्होंने बोला मैक्रोनी मैं बनाऊँगी, जब सारी तैयारी हो रही है तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ की पसंद है मेरी, जबकि मैं चाह रही थी आप ही बनाए आज। हाँ, अपने हाथ की तो खाते रहते हैं ना, कुछ चेंज रहता है। खैर, उनका मुंह का मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से चाह रही होंगी। और बस अब मैं इसके अंदर डालूंगी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और इसकी होगी भुनाई। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे चमचे चलाने इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सब्ज़ी, नज़र नहीं आती है। अच्छा, मुझे इसमें ना गाजर और बंद गोभी वगैरह भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी हम सिर्फ शिमला मिर्च डाल लें। मैं इसमें एक टमाटर मैंने थोड़े डाले हुए, 1.5 मिनट ही हुआ है, अब मैं यही डाल रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि फिर टमाटर इसमें नज़र नहीं आएंगे, तो सब चीज़ों को एक साथ हम करेंगे मिक्स। यही रह गई, तो मेरा पूरा ध्यान शिफा की तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि आज शिफा जो है ना थोड़ी सी परेशान हो रही थी, चिपारा पड़ने जाने, वो देखा ना बच्चे आए हैं, तो वो परेशान हो रही थी, तो मैं उनको ज़बरदस्ती छोड़ गई हूँ, रो रही थी, तो कलर में अच्छे लग रहे थे। तो दोस्तों, मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच के करीब टिक्का मसाला। हाँ, वो जल्दी जल्दी में कर लेंगे जी। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा नमक डालूंगी, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है, और केचप वगैरह में भी होता है, तो थोड़ा नमक डलेगा इसमें, और मैक्रोनी भी नमक में बॉईल किए मैंने जी। दोस्तों, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब काली मिर्च कुटी हुई। मैं दिल चाह रहा है इसीलिए भी खाना शुरू कर दूँ। ये मैंने डाली इसके अंदर चिकन, और अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई मिर्चें। मैं इसमें मिर्चें इसलिए ज़्यादा डालूंगी कि आपके मुंह का टेस्ट खराब हो, कहीं थोड़ी चटपटी खाने के लिए, तो मैं इसमें 2.5 चम्मच करीब कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। दोस्तों, तो अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन ये मैं आज डाल रही हूँ, मैं इन चीज़ों से बगैर ही बनाती हूँ। तो बस अब मैं स्टोव करूँगी तेज़, मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे बनाई थी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, बस ये हम डालेंगे। मैंने बॉयल किया था ये, फिर भी जो है ना ये चिपक जाती है, जब पक गई है, ड्राई होती है ना, तो ये चिपक जाती है जी। तो फ्रेंड्स, देखें हमारी मैक्रोनी हो गई है रेडी, और बस मैं निकाल रही हूँ, बच्चों के लिए मैंने अलग बनाई थी, तो बच्चे स्पाइसी नहीं खा रहे, मैंने थोड़ी स्पाइसी रखी है, और तो देखें और ये बच्चों की है सादी, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं रखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग भी लगती है मिर्चें, थोड़ी खांसी वगैरह भी हो रही थी बच्चों को, तो वैसे भी सब कुछ।
तो ये अब हम टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कैसी बनी है। आप लोग देख के बताएं कि कैसी लग रही है ये। जिसको खानी है वो आ जाए हमारे घर। वेलकम। मैक्रोनी हो गई है रेडी और हमने खानी शुरू कर दी है, तो पूछते हैं आप ही से कि उनको कैसी लगी है। तो हाँ भाई, आप ही? हाँ, मैक्रोनी बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी है और मिर्च मसाले भी बहुत अच्छी बना सकेंगे। अब क्या मैं भी ऐसे ही बनाऊँगी। असल में मुझे हो रहा था नज़ला, मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा था, तो मैंने हमसे कहा कि मैक्रोनी मंगा के मैं बनाती हूँ। ट्रेंड टाइम पर मैंने हमसे कहा तुम बना लो। इन्होंने अपनी मल्ली मेरे साथ डाल दी। तो मतलब अपने हाथ हाँ हो जाता है ना। फिर मैंने कहा मैं बनाऊँगी तो फिर मुझसे खाई नहीं जाएगी, अदम बनाएगी तो मैं ज़्यादा खा लूँगी। तो मैक्रोनी हमेशा की तरह मज़े की बनी है। और आ जाओ रुशना और आशु हमारे साथ ज्वाइन करो, ये दोनों बहुत शौक से खाती हैं, दोनों नियती हैं मैक्रोनी के मामले में। और हाँ भाई, भाई कैसी पता ही था मेरे घर इतनी अच्छी बनेगी, खाने में लगी पड़ी हूँ। नहीं मैंने कही यार हम बातें कर रही है तो इसलिए मैंने जो है ना वो ध्यान नहीं दिया। हाँ बहुत मज़े की हो रही, चटपटी स्पाइसी जैसे कि मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान ज़्यादा चट हो रही है तो मैं चटपटी चीज़ ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो ये मेरे हिसाब से बनी थी बहुत मज़े की। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये उरुष्ना कैफ की मम्मा है, कैफ इनका बेटा है, तो ये देखने के लिए जाएंगी कैफ। फ्रेंड्स माइक्रोनी हम लोग खा चुके हैं, ये लोग तो अभी भी लगी हुई है, और हम मिलवाते हैं आपको बच्चों से। अरे स्लो स्लो खाती हूँ। अरे बोलो ना, हाय करो। हाय बोलो, हाय हाय हाय। मोबाइल हाथ में है और मोबाइल जब हाथ में होता है तो बच्चों को बिल्कुल भी मूड नहीं होता है कोई बात करने का। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, काम हमारा सब हो चुका है, माइक्रोवेव हम लोगों ने खा भी लिया और हजम भी कर ली, शाम की चाय भी पी ली है, और अब मैं बनाने लगी हूँ खड़ी मसूर की दाल और चावल। तो दाल मैंने तकरीबन कर ली है रेडी, बस अब मैं चावल बॉईल करूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ, आपकी दुआओं के साथ, और ज़िंदगी रही तो। और बहुत जल्द हम वीडियोज़ में आपको नए नए टोटके वगैरह भी बताएंगे इंशाल्लाह, रोज़ एक टोटका बताएंगे, रोज़ एक काम की बात बताएंगे। और ये मेरे वानिया से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैक्रोनी हमने खा भी ली, हजम भी, जैसे कि हमने आपको बताया, और बाकी काम हम कम लोग कर चुके हैं, और आप ही आई हुई हैं, तो आज तो खैर देर से सोएंगे और बातें करेंगे, खूब मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे, बच्चों को हम कोशिश करें बच्चों को जल्दी सुला दें, बच्चे बड़े परेशान करते हैं बातें करो ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।